अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, खुशबाश हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने नोटिस में कहा था कि आप एग्जैक्ट डेट तक अगर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते तो स्मार्ट सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल योर एलोकेशन ऑफ द प्लॉट्स। इसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने मुल्क की हालात को देखते हुए और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया है। इसलिए वो नाजरीन जिन्होंने अभी तक इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, उनको मुबारक हो कि उनका प्लॉट कैंसिल नहीं किया जाएगा, उनके फाइल के साथ प्लॉट नंबर को नहीं हटाया जाएगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि क्लाइंट्स के लिए स्मार्ट सिटी ने इतना बड़ा मेजर डिसीजन लिया, क्योंकि मुल्की हालात बहुत ही सवेर कंडीशन के ऊपर हैं और लोगों को फर्दर पैसे इंजेक्ट करते हुए दुश्वारी आ रही थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और लोगों का गुस्सा शदीद हो चुका था, क्योंकि पोजेशंस कुछ जगह के ऊपर थी और कुछ जगह के ऊपर नहीं थी। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उसको पोस्टपोन कर दिया अंटिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर पे ना करें, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे अगर आने वाले दिनों में आ रहे हैं तो उसको काइंडली जमा करवाएं, क्योंकि मुल्की हालात जैसे भी हों, रहना हमने इधर ही है, पाकिस्तान में ही रहना है, अपने लिए घर बनाना है। आज प्रॉफिट हो ना हो, कल को प्रॉफिट आना तो ज़रूर है, क्योंकि जहां पर पोजेशन आ रही हो उसने कल को ग्रो तो करना ही है। साइट के ऊपर अगर आप देखें तो न्यूटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं, रेंट के ऊपर फैमिलीज आना शुरू हो चुकी हैं, ग्रोसरी स्टोर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, प्लॉट्स के ऊपर आपको पोजेशन मिलना शुरू हो चुकी है। तो इसलिए उन चीज़ों के ऊपर आपको जो है कंप्लीट फोकस करें कि जो चीज़ ऑन ग्राउंड आ चुकी है इन दी फ्यूचर उसने ग्रो करना है, आपको प्रॉफिट तो देना है। इन दी एंड आपके पास एक एसेट है, ना कि विदाउट प्लॉट नंबर वाली फाइल है। सेकंड प्रॉमिस जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी कर रही है कि 2024 में हम लोगों को प्लॉट्स की एलोकेशंस कर देंगे, उन लोगों को जिनके अभी तक फाइल्स के ऊपर प्लॉट नंबर इशू नहीं हुआ। अगर स्मार्ट सिटी ये वाला प्रॉमिस भी फुलफिल कर लेती है तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की तमाम लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर देता है। स्मार्ट सिटी के बाद उसके बाद हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बचता। तो ये थी पहली न्यूज़ कि जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लॉट नंबर्स की अलोकेशंस का जो नोटिस है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब आप अपने टाइम से इंस्टॉलमेंट्स पे करें और अपने प्लॉट को रिटेन रखें। सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट है लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए कि स्मार्ट सिटी ने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर मर्जिंग ओपन कर दी है, जिसमें आपका 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं होगा और आप एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर अपने प्लॉट्स की या पेमेंट्स की एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। सपोज एक फाइल मेरे नाम पे है, मैं आपको वो माइनस पे सेल आउट कर रहा हूँ और आप मेरे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, ना मेरे आपका कोई कजन है, ना मेरे दोस्त है, ना आपका मेरा कोई ताल्लुक है, आप मेरी वाली फाइल मुझसे बाय करके अपने प्लॉट के अंदर मर्ज करवा सकते हैं। आइदर मैं ब्लड रिलेटिव हूँ या ना हूँ, 100% पेमेंट मेरी फाइल के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी आपके प्लॉट के लेजर के अंदर। एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉलिसी है जिसमें नंबर ऑफ फाइल्स की अवेलेबिलिटी भी कम होगी और आपको एक हैंडसम अमाउंट बचेगी मर्जिंग के थ्रू। मर्जिंग 30 जून 2024 तक अवेलेबल है, जिसमें कोई भी पेमेंट को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कमर्शियल के अंदर कमर्शियल की फाइल मर्ज होगी, रेजिडेंशियल के अंदर रेजिडेंशियल की फाइल मर्ज होगी। थर्ड मेजर अनाउंसमेंट ये है कि जो मेम्बरान जिनके प्लॉट्स या फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि वो लोग अपनी फाइल्स को रिस्टोर करवा सकते हैं मर्जिंग के थ्रू, जिसमें कमर्शियल के मेम्बरान 30 से 35% अमाउंट पे कर सकते हैं और रेजिडेंशियल के मेम्बरान 40 से 45% अमाउंट मर्जिंग के थ्रू एडजस्ट करवा कर अपनी फाइल को रिस्टोर करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।